नमस्कार दोस्तों, निखिल कंप्यूटर जबलपुर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, सामने एक पीडीएफ खुली हुई है। इस पीडीएफ में लिखा हुआ है विधानसभा सचिवालय मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश विधानसभा सचिवालय में स्टेनोटाइपिस्ट शीघ्र लेकर सहायक ग्रेड 3 समिति सहायक एवं सुपरवाइजर के रिक्त पदों हेतु विज्ञापन। तो आप सभी को हम बता दें, विधानसभा सचिवालय द्वारा मध्य प्रदेश में नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ये आपका ऑफलाइन आवेदन आपको भेजना पड़ेगा, ये ऑनलाइन नहीं रहेगा। इसके फॉर्म की लिंक आपको हमारे द्वारा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप ऑफलाइन आवेदन का जो फॉर्म है निकाल लीजिएगा। तो इसी की पूरी जानकारी आज हम आपको देंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफाई बटन पर अवश्य क्लिक कर दीजिए। आप देख सकते हैं सामने 13 पेज की पीडीएफ है। ये फॉर्म भरना प्रारंभ हो गए हैं, ऑफलाइन आवेदन आपको करना पड़ेगा। इसकी जो अंतिम तिथि रहेगी वो आपकी 14 जुलाई 2023 रहेगी। 14 जुलाई 2023 के पहले आपको इस फॉर्म को इनके पते पर पहुंचाना पड़ेगा। इसमें जो पदों का विवरण है उसमें स्टेनोटाइपिस्ट शीघ्र लेकर सहायक ग्रेड 3 समिति सहायक और सुपरवाइजर के पदों के लिए नोटिफिकेशन है। इसमें आपके स्टेनोटाइपिस्ट के कुल 2 पद हैं, जिनमें एक आपका EWS, एक अनुसूचित जनजाति का पद है। इसी प्रकार से शीघ्र लेखक का एक पद है जो कि EWS श्रेणी के लिए रहेगा। सहायक ग्रेड 3 का एक अनुसूचित जाति के लिए पद, एक अनुसूचित जनजाति के लिए, एक अन्य पिछड़ा वर्ग पुरुष तथा एक अन्य पिछड़ा वर्ग महिला और EWS के 4 पद, कुल 8 पदों के लिए नोटिफिकेशन है। इसी प्रकार से समिति सहायक के लिए अनुसूचित जाति का 1, महिला वर्ग का भी 1, इसी प्रकार से अनुसूचित जनजाति के लिए 2, महिला वर्ग का 1, अन्य पिछड़ा वर्ग का 2, महिला वर्ग के लिए 1 और EWS का 1 पद, कुल 9 पदों के लिए आवेदन जारी किया गया है। तो इसकी विस्तृत जानकारी आपको इस साइट पर मिल जाएगी mpvidhansabha.nic.in, और साथ ही साथ आप हमारे डिस्क्रिप्शन में भी चेक करेंगे तो डिस्क्रिप्शन में भी आपको इस PDF की लिंक मिल जाएगी। ये देखिए, आप स्टेनोटाइप के सीख लेकर सहायक ग्रेड 3 के पदों के लिए है। इसमें आपको एक चीज़ बता दें कि आप जब ऑफलाइन फॉर्म भरेंगे तो आपका रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना भी अनिवार्य है। तो आपको अपने ऑफलाइन फॉर्म के साथ दस्तावेजों में रोजगार पंजीयन का आवेदन, रोजगार पंजीयन भी लगाना अनिवार्य रहेगा। ऑफलाइन आवेदन हेतु पासपोर्ट साइज के आपको 3 नवीदन फोटोग्राफ में से 1 फोटो आवेदन में चस्पा करना अनिवार्य रहेगी। ये पूरी 13 पेज की जानकारी है। ये पदों का विवरण दिया हुआ है। स्टेनोटाइपिस्ट के 2 पद हैं जिनमें आपसे जो योग्यता मांगी गई है, आपके पास CPCT होना अनिवार्य है, 12वीं पास होना अनिवार्य है, साथ ही साथ आपके पास शीघ्र लेखक का सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है, और ये जो आपकी पोस्टिंग रहेगी वो 3 वर्ष की परिवीक्षा पर की जाएगी। इसी प्रकार से शीघ्र लेखक का भी है। तो ये पूरा 13 पेज की PDF है। फॉर्म भरने से पूर्व आप इस PDF का अवलोकन कर लीजिएगा, और आपको जिस भी पोस्ट के लिए फॉर्म भरना हो उसके लिए आप फॉर्म भर सकते हैं। शैक्षिक योग्यता सब कुछ इसमें दी हुई है। जो आपकी आयु रहेगी वो पुरुष वर्ग अनारक्षित श्रेणी से 40 वर्ष, पुरुष वर्ग शासकीय निगम मंडल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो 45 वर्ष, पुरुष वर्ग आरक्षित वर्ग अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग को 45 वर्ष, 5 वर्ष की छूट रहेगी। आयु की जो गणना आपकी की जाएगी वो 1 जनवरी 2023 के अनुसार की जाएगी। आपकी मिनिमम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष होना चाहिए। आरक्षित वर्ष को 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट रहेगी। इसी प्रकार से महिला वर्ग को भी 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट रहेगी। आप जैसे ही आखिरी में आएंगे तो यहाँ पे आपको 2 पेज की PDF मिल जाएगी। आपको ये फॉर्म भरना है और इस फॉर्म के साथ आपको अपने समस्त दस्तावेजों को संलग्न करके इनके पते पर 14 जुलाई से पूर्व जो भी अंतिम तिथि है उससे पूर्व आपको भेज देना है। आपको किसी भी प्रकार का इसमें शुल्क देय नहीं रहेगा। आपको सिर्फ फॉर्म को जो पोस्ट करने के दौरान जो शुल्क लगेगा सिर्फ वही आपको शुल्क लगेगा। तो ये 13 पेज की PDF है। इसकी लिंक आप हमारे डिस्क्रिप्शन निकाल लीजिएगा, और जिसको भी फॉर्म भरना हो वो जल्द से जल्द इस फॉर्म को भर दे। 14 जुलाई 2023 अंतिम तिथि है। तो वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जुड़े रहिए आप निखिल कंप्यूटर जबलपुर से। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।